कैसा लगा बाइक चला के? भाई मतलब क्या बोलूं मैं यार, इट्स लाइक फायर इट्स यार, लाइक ऑन फायर। फायर हाँ ऑन कहाँ है इसका? ऑन की जरूरत क्या, नीचे ऑन की जरूरत तो मैं तो कभी नहीं। ऑन तो बेकार है भाई इसका, बजा के देखो कहाँ है कहाँ। अच्छा ये रहा। चलो बाबा जी मिलते हैं, बिल्कुल। जय श्री राम भाई। इस साइड से? हाँ आराम ही चलेंगे भाई, मैं आराम से ही चलाता हूँ भाई। बैठो बाबा। नहीं आराम से चलाएंगे, ये सिटी में वैसे भी आराम से ही चलाना चाहिए भाई, कहाँ से कौन आ जाए, कोई भरोसा नहीं रहता। हाँ शक्ल देखो भाई, रिएक्शन कर रहे मिलते हैं यहाँ। थोड़ा गोप्रो की क्वालिटी और इम्प्रूव कर लूँ भाई मैं, अब अगला इन्वेस्टमेंट गोप्रो में। नहीं सही है भाई। चलो चमकी दे दी भाई बहुत सही, बहुत सही। कौन सी थी भाई? हार्ले थी ना, हार्ले नहीं थी, स्वीट ड्रॉप वो थी, क्या वो आती है ना, क्या नाम वो कमांडर की स्वीटर। अच्छा वो थी यार। चलो रवि भाई, नाइस टू मीट यू भाई, मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम मेरे भाई। नेक्स्ट हफ्ते आ जाएगा अपना, इस महीने के बाद डाल देना वाले। ओके ओके अच्छा उसका। हाँ ठीक है ठीक है, भाई बता देंगे जब डाल देंगे। आगे से ही घुमा लेते हैं। हाँ अब अपन को कुछ मिलेगा खाने के लिए। समझ रहे हो तुम मतलब, अबे सिटी में होते तो मिल जाता। ये भी सही है। देख रहे हो बहुत खतरनाक हो रहा है भाई, इस बम में से भाग रही है ना। हाँ देखो भाई छठवे गियर पे क्या प्यारा चलती है भाई, कहीं नॉकिंग नहीं। सेकंड थर्ड फोर्थ तो समझ में ही नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा फर्स्ट सेकंड है। मेकिंग कितनी सही है ना भाई, इसी चीज का पैसा लेती है गाड़ी मेन चीज। ये रोड खाली मिलेगी और लिंक रोड खाली मिलेगी आपको। अबे गियर शिफ्टिंग कितना
कितना कम है। हाँ बहुत प्यार से शिफ्ट होती है, इसको निकल जान दो, राइट ले लो, एक काम करो राइट पे चाय वाय, और वहीं पे दुकान है ना, चाय तो नहीं पियेंगे वहीं दुकान है, आपको आपको सामान लेना है वहीं से मिल जाएगा, उम्मीद तो है खुला होना चाहिए, देखते हैं। चलो पक्के चलती गाड़ी है ना, अंतर आया ना समझ में, जा रही है वो सन्नाटी, निकालो निकालो। ये क्या है, कुछ नहीं, रुक जाओ, गाय पलटी थी देखी, इसमें ये सबसे बड़ा इशू है भाई, अभी गाय और कुत्ते के बाजू से मत निकालना ये भाई। अच्छा, गाय पलट गई थी देखा नहीं आपने, इसीलिए तो मैंने बंद कर दिया, गाय ने तुरंत मुंह ऐसे किया, वो पीछे पड़ जाती बस। अच्छा हाँ, और खतरनाक पीछे पड़ती है गाय, गाय को कभी नहीं देखा होगा पीछे पड़ते हुए, कोई से भी स्पोर्ट्स बाइक ले लो। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सा देख के चलाना पड़ता है, ऐसे सारी नहीं पड़ती, कोई कोई गाय माथा खराब हो जिसका, हाँ बस भाई, या तो हियरिंग एड होता होगा उनको या कुछ, देखा देखा तो, लेकिन ये है कि जैसे ही देखे तो बंद कर दो, किल स्विच ऑफ कर दो। अबे ऑन कहाँ है इसका, ऑन की जरूरत क्या, नीचे ऑन की जरूरत मैं तो कभी नहीं, ऑन तो बेकार है भाई इसका, बजा के देखो कहाँ है कहाँ। अच्छा ये रहा, हाँ पैसे ही बेकार है इसका तो, हाँ ऑन बहुत इसलिए जरूरत ही नहीं है ऑन की भाई, ब्रम ब्रम ना, यहाँ पैसा बचा लिया एकदम से आप स्पीड पकड़ते हो, जैसे आपने फर्स्ट गियर पे एकदम से थोड़ा सा थ्रॉटल दिया, हाँ। तो पीली मारती है गाड़ी, क्योंकि टायर तेज घूमता है, हाँ। और गाड़ी एकदम से उठ जाती है, हाँ। तो वो चीज ना हो, अच्छा, वो आप हर कहीं ना गिरो, हाँ। उसके लिए ये है भाई, ये ट्रैक्शन कंट्रोल Z900 में नहीं था, तो वो 900cc की गाड़ी और उसमें वो नहीं था, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज थी, हाँ। तो ये चीज में भाई ये फुली लोडेड गाड़ी है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं ये ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है, भूसा में नहीं था ट्रैक्शन कंट्रोल। हाँ, आप तेज स्पीड में पानी में चला रहे हो, पानी में कहीं से भी कुछ करते हुए, तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल का काम है ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, पहुंच रहे पता नहीं चल रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, तो मेरे को आजू बाजू का भी कुछ सुनाई नहीं आ रहा, एक भी गाड़ी मोटर की आवाज नहीं आई अभी तक मुझे, है ना भाई, मैं कभी स्कूटी से निकलता हूं ऐसा लगता है कितना शोर मचा रहे हैं ये लोग, पी पापो वो भाई, लेकिन एक्चुअली शोर अपन मचाते हैं, वहां से यहां तक आ गए, एक हॉर्न सुनाई नहीं दिया मुझे, सिर्फ अपन ही अपन, और भाई साइड दे देते सब कार वाले, सब साइड देते हुए चलते हैं, ये इकोनॉमिकल स्पोर्ट बाइक है। गाइस फाइनली वापस आ गए हैं और अभी फिलहाल रवि भाई के स्टूडियो पे आ गए हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, उसके बाद यहाँ से उनको सामान भी लेना था,
तो पानी वानी पी के फिर सामान लेके फिर उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन बहुत मजा आया आज और आप लोगों को भी मजा आया होगा आई होप। और रवि भाई का अब रिव्यू अपन ले लेंगे कि उन्होंने बाइक कैसे मतलब क्या कैसा लगा उनको बाइक चला के। और यार आज का जो सफर रहा वो बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि यार इतनी सारी प्रतिमाएं देखी अपन ने और काफी खूबसूरत। बस ये कि कोरोना नहीं होता तो काफी और ज्यादा अपन को झांकियां देखने को मिलती। अभी हमने देखा कि कोरोना की वजह से काफी कम हो गया था झांकियां, तो वो चीज़ का फर्क पड़ा है। स्पीकर्स नहीं बज रहे थे, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई है, काफ़ी चीज़ें बुरी भी हुई है, मतलब दोनों चीज़ें हैं। बट ये है कि अगर पॉजिटिव वे में देखें तो यार अभी तक का सबसे अच्छा मतलब 2020 में कुछ अच्छा हुआ है तो वो सबसे अच्छा यही चीज़ हुई है कि यार चलो फाइनली दुर्गा जी बैठी तो एक अच्छा यू नो पॉजिटिव वाइब्स आई। आज तुम्हें भी ब्लॉग देख के शायद मज़ा आ रहा होगा कि हाँ यार जितने लोग नहीं निकल पाते हैं कोरोना की वजह से घर पे रहते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग मेरे ब्लॉग के जरिए एंटरटेन हो रहे हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट। और ऐसे ही सजेशन देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो तो मैं आपके लिए बहुत सारे ब्लॉग्स बनाता रहूंगा। बाकी फूड ब्लॉगिंग अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं तो स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे CBR पे, तो काफ़ी नई सीरीज लाने वाला हूँ मैं, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें भी। और बाकी आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। बाकी अब अपन रवि भाई का इंटरव्यू लेते हैं, रवि भाई का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनको बाइक चला के कैसा लगा। हाँ तो रवि भाई ऑडियंस को एक बार बता दो कैसा लगा बाइक चला के। भाई मतलब क्या बोलूँ मैं यार, इट्स लाइक फायर, इट्स लाइक फायर, ट्रू वेरी ट्रूली भाई। मतलब आप जब भाओ ना वो कोई से भी गियर में हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, एक्स वाई जेड, ट्रू। हाँ भाई वो इतनी स्मूथ और इतनी फास्ट भाग रही है। मतलब आपने पहली बार चलाई ना मेरी बाइक? हाँ, मतलब सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम। अच्छा फर्स्ट टाइम जब लाए थे तब चलाई थी, लेकिन तब आपने कॉलोनी में राउंड घुमाया था, पता नहीं ज्यादा नहीं चलाई इस बार, तो थोड़ी स्पीडिंग भी की। हाँ काफी, हाँ आज काफी लंबी ड्राइव थी अपनी। हाँ और मतलब टोटल फन भाई, मतलब वर्थ इट यार, मतलब जो पैसा जो है ना, मैं सीरियसली मतलब मैं अब खुद सोचने लग गया हूँ कि यार कुछ टाइम बाद ना चस्का चढ़ा दिया। हाँ यार हाँ। मतलब वो इतनी मतलब मैं आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। हाँ तो कब ले रहे हैं फिर अपन गाड़ी? बस देखो यार जैसे ही थोड़ा सा रोलिंग पैटर्न हो जाए। हाँ स्टूडियो स्टूडियो राइट राइट चलने लग जाए। राइट हाँ उसके बाद सिर्फ दो गाड़ियां चलेगी एक साथ, दो गाड़ियां चलेंगी। क्या बात है भाई, पहले हम लोगों की दोस्ती हुई थी R15 से, R15 थी सबसे पहले भाई कॉलोनी में, सबसे पहली गाड़ी थी R15 इनके पास। तब फिर मैं जब R15 लेने जा रहा था CBR 150 और R15 में कंफ्यूज था, तो मैंने R15 के लुक से तो प्यार था भाई, और नो डाउट आज भी प्यार है भाई, उसको बीट ही नहीं कर सकती कोई गाड़ी। हाँ तो मतलब 150 यार अलग ही लुक है भाई, मजा आ जाता है। तो इनसे सजेशन लिया था, तब से दोस्ती हुई थी, तब ब्लैक गोल्ड और ब्लू वाली इनकी ब्लू R15 दोनों साथ में चलती थी तो मतलब वो फील था। अब सुपर बाइक साथ में आएगी, दुआ करते हैं भाई जल्दी से हो जाए आपका। सो गाइस आई होप आज के ब्लॉग में मजा आया होगा, सपोर्ट करते रहो इसी तरीके से, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, बताना वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड एंड फक्र से बोलो आई एम मैड, पीस आउट। We'll be right back.